दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। क्या वाकई भारत की राजनीति करवट ले रही है? क्या वाकई 2024 का लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ अलग होने जा रहा है? और अगर ऐसा होने जा रहा है तो डरने की जरूरत किसे है और किसे खुश होने की जरूरत है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी से तलाशा जाने लगा है। खबर है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए 204 ऐसी सीटों की पहचान की है जहां अगर जीत मिल जाए तो क्या कहने। तो आइए पहले जानते हैं कि इन 204 कमजोर सीटों पर बीजेपी क्या कुछ करने जा रही है, मतलब 2024 का रोड मैप क्या है बीजेपी का। खबरी लाल के मुताबिक इन सीटों पर जीत कैसे मिलेगी इसको लेकर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 28 और 29 दिसंबर को 2 दिवसीय रणनीति तय होगी, क्योंकि इनमें 98 सीटें दक्षिण भारत में हैं। बिहार में भी इस तरह की एक बैठक हो चुकी है जिसमें 40 सीटों की समीक्षा की गई और इनमें से 22 सीटें सामाजिक और जातीय समीकरण के लिहाज से कमजोर मानी जा रही है। खबरी लाल की माने तो प्रदेशवार एक सूची बनाई गई है जिसमें दक्षिण भारत के तहत तमिलनाडु की 36 सीटें, केरल की 20 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तेलंगाना की 12 सीटें और कर्नाटक की 5 सीटें हैं जिन पर बीजेपी जीत का जुगाड़ खोजने की दिशा में आगे बढ़ेगी। इसी तरह से महाराष्ट्र की 24 सीटें, बंगाल की 23 सीटें, बिहार की 22 सीटें, उत्तर प्रदेश और ओडिशा की 12 12 सीटें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और झारखंड की दो दो सीटों को बीजेपी अपने लिहाज से कमजोर आंक रही है और इस पर जीत की रणनीति बनाई जानी है। इसके अलावा अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गोवा में भी एक एक सीट की पहचान की गई है जिसको लेकर बीजेपी को 2024 की चिंता सता रही है। गुजरात, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर का जिक्र इस सूची में नहीं किया गया है। दरअसल बीजेपी अपनी इन कमजोर सीटों का जातीय और सामाजिक समीकरण तैयार कर रही है, क्योंकि भाजपा की चाणक्य प्रजाति के नेताओं को लगता है कि विकास का चुनावी फॉर्मूला अब पुराना पड़ चुका है, लिहाजा जातीय और सामाजिक ध्रुवीकरण ही इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जो 2024 में जीत की हैट्रिक दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। योजना के मुताबिक इन क्षेत्रों में जो भी प्रभावी व्यक्ति होगा, जो भी प्रभावी नेता होगा, उसे पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष के साथ भाजपा के बैनर पोस्टर में जगह दी जाएगी। ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाकर पीएम मोदी से फिजिकल या वर्चुअल संवाद भी कराया जा सकता है। तो ये तो हुई पार्टी की रणनीति या वो रोड मैप जिस पर 204 सीटों को लेकर आगे बढ़ने की बात की जा रही है, लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही है। काउ बेल्ट यानी हिंदी पट्टी में जिस तरह से बीजेपी के कुछ आंतरिक सर्वे में बड़ी संख्या में सीटों के कम होने की बात सामने आ रही है, उससे बीजेपी बेहद घबराई हुई है। विस्तार से हम इसकी बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।